वैसे तो कोर्ट में कई तरह के मामले देखने को मिलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे अजब गजब मामले भी आ जाते हैं जिनको देखकर हैरत होती है। ऐसा ही एक मामला कानपुर कोर्ट में देखने को मिला, जहां एक ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी होकर गिरफ्तारी की गई, जो 4 साल पहले ही कोर्ट द्वारा दोष मुक्त करार दिया जा चुका है। साल 2008 में बर्रा निवासी नौमीलाल गुप्ता के खिलाफ एक व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश का मुकदमा संख्या 625 से दर्ज कराया गया था। कोर्ट में ट्रायल के दौरान ज्यादातर गवाहों ने नौमीलाल के पक्ष में गवाही दी थी, जिसकी वजह से संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने 2019 में नौमीलाल को दोष मुक्त करार देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया था। अब 4 साल बाद बीते रविवार को नौमीलाल उस समय चौंक गया जब पुलिस उसके पास उसी मुकदमे में गिरफ्तारी का वारंट लेकर पहुंची। पुलिस ने नौमी को गिरफ्तार कर लिया और रविवार की वजह से रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। जब नौमीलाल के वकील ने कोर्ट को पूरी कहानी बताई तो कोर्ट में भी हड़कंप मच गया। सन 2019 में एक निर्णित फाइल थी 307/504/506 में, जिसमें माननीय न्यायालय संख्या 25 के द्वारा NBW जारी किया गया। थाना बर्रा पुलिस ने नौमीलाल गुप्ता को रात में गिरफ्तार किया और पिता का नाम नहीं पूछा। निर्णित फाइल पे गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है, इसके बावजूद भी न्यायालय में दाखिल किया गया और साहब के सामने जब हमने अपना पक्ष रखा तो साहब ने उसमें जमानत मंजूर कर दी है। तो इस मामले में क्या था कि जिसको रिहा किया, जिसको दोष मुक्त किया जा चुका था, उसके खिलाफ वारंट जारी हो गया? दोष मुक्त किया जा चुका था 2019 में, उसके खिलाफ NBW जारी कर उसकी पुलिस ने गिरफ्तारी भी की और आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश भी किया गया। जब माननीय न्यायालय को सारी बात की जानकारी दी गई प्रार्थना पत्र के वास्ते, तो माननीय न्यायालय ने जमानत की व्यवस्था करने हेतु बोला और जमानत में छोड़ने के लिए आदेश पारित किया। वकील के अनुसार कोई मुकदमा न होने की वजह से नौमी को जेल नहीं भेजा जा सकता था और वारंट भी ऐसे मुकदमे में था जो पहले ही खत्म हो चुका है। काफी विचार के बाद कोर्ट ने नौमीलाल को 20,000 के 2 जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।